के बारे में। सो बेसिकली ग्राइंडिंग में हम लोग मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है, जिसमें हम अब्रेसिव्स की हेल्प से मटेरियल रिमूवल कर रहे हैं। करेक्ट। ग्राइंडिंग में जो अब्रेसिव्स है वो हम व्हील के साथ यूज़ कर रहे हैं, व्हील बनाया जा रहा है, उस व्हील में अब्रेसिव माउंट होते हैं, बाउंड किए जाते हैं, और देन उस व्हील को हम ग्राइंडिंग में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद था व्हील मटीरियल, उसके बाद था व्हील मटीरियल अब्रेसिव मटीरियल। तो अब्रेसिव मटीरियल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अब्रेसिव होते हैं, जैसे फर्स्ट नेचुरल अब्रेसिव होते हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल अब्रेसिव होते हैं, एंड वन वन इज आर्टिफिशियल डायमंड ऑल्सो। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था एडवांटेजेस एंड यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल अब्रेसिव। आर्टिफिशियल अब्रेसिव मेन रीजन यूज़ करने का ये भी है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंस है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज लार्जली जब हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिके हो रहे हैं और बहुत फास्टली डिके हो रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का नया ऑप्शन ढूंढना ज़रूरी था, दैट्स व्हाई हम लोग आर्टिफिशियल एब्रेसिव की तरफ आए। नेक्स्ट बॉन्ड, जब हम एब्रेसिव की बात कर रहे हैं तो एब्रेसिव जब हम एब्रेसिव की बात कर रहे हैं तो उन एब्रेसिव को और जो भी हम व्हील मटेरियल चूज करेंगे उन दोनों चीज़ों को आपस में बाइंड कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बॉन्ड बोलते हैं, उस कनेक्शन को उनका बॉन्ड बोलते हैं, जैसे एब्रेसिव जो है वो आपस में एक साथ स्टिक करके रहते हैं, एक साथ रहेंगे। तो उसके हिसाब से उससे पहले आ जाता है कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी जो हमारे पास मटीरियल्स अवेलेबल हैं उन मटीरियल्स के लिए हम कौन से एब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास सामने टेबल है आपके पास स्क्रीन पे, उस स्क्रीन में हम लोग को एक तरफ मटीरियल्स जो भी हमें ग्राउंड करना है या जिस भी मटीरियल पे हमें ग्राइंडिंग करनी है वो मटीरियल, और उसके लिए जो हमें आपका अब्रेसिव यूज़ करना होगा उसका सामने नाम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो हम सिलिकॉन कार्बाइड को प्रेफर करते हैं, हम मेलेबल आयरन की बात करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम प्रेफर कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग होंगे। नेक्स्ट हमने किया था कि बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमने फर्स्ट किया था विट्रीफाइड बॉन्ड, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, और विट्रीफाइड बॉन्ड में हम क्ले जैसा मिक्सचर होता है उसको इस तरह इतने टाइम तक हम उसको पहले मोल्ड करेंगे, उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ेंगे, एंड देन हम उसको कूलिंग के बाद ट्रिम करेंगे जो भी हमें साइज़ चाहिए होगा उस शेप और साइज़ में, और उसके बाद हम उसे फर्नेस में हीट करते हैं। जब हम क्ले को फर्नेस में हीट कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और हीटिंग के टाइम पे हीटिंग के दौरान वो अपना एक अच्छा खासा बॉन्ड बना लेता है उन अब्रेसिव के साथ। तो अब्रेसिव और क्ले एक कंबाइंड मिक्सचर बन जाता है जो हमारे को एक फाइन फिनिश्ड व्हील की तरह मिलता है, जिससे हम मशीनिंग में हेल्प कर जो हमें मशीनिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है सिलिकेट बॉन्डिंग प्रोसेस। सिलिकेट बॉन्डिंग प्रोसेस वर्ड से ही हमें मालूम पड़ जाएगा, जब हम सिलिकेट की बात करें दैट मीन्स वी आर यूजिंग सिलिका, और यहाँ हम जो सिलिका यूज़ कर रहे हैं वो सिलिका ऑफ सोडा सोडा और वाटर ग्लास। तो ये मिक्सचर जो है हम पैक करते हैं अगेन मोल्ड, ऑब्वियसली अगर हम व्हील बना रहे हैं तो व्हील के लिए हमें मोल्डिंग करनी होगी, और उस मोल्ड को हमें कहीं ना कहीं पैक करके रखना होगा ताकि उसे शेप मिल सके। फर्स्ट वी व्हेन वी हैव अचीव दैट शेप, उसके बाद हम उसको फर्नेस में 260 डिग्री पर हीट करते हैं फॉर सेवरल डेज, एंड देन उसके बाद जो हमारे को मिलता है वो हमारे को एक वाटर प्रूफ सिलिकेट बॉन्ड मिलता है, सिलिकेट व्हील मिलता है, जिसको हम एस से इस टाइप के बॉन्डिंग प्रोसेस को हम यूज करेंगे एस से। देन आई हैव टोल्ड यू शेलेक बॉन्डिंग प्रोसेस। शेलेक बॉन्डिंग प्रोसेस थिनर सॉरी नेल पेंट जैसा टेक्सचर होता है, उसका रेजिन जैसा टेक्सचर होता है, उस रेजिन के साथ हम अब्रेसिव को मिला के और बेक करते हैं 150 डिग्री तक। इसमें इलास्टिसिटी जो होती है वो हमें बहुत अच्छी अचीव होती है, और ये हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कास्ट फिनिशिंग ऑफ चिल्ड आयरन, कास्ट आयरन, स्टील वॉल, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इस टाइप के जो व्हील्स होते हैं हम उनको इलास्टिक बॉन्डेड व्हील्स भी बोलते हैं, एंड इसको हम डिनोट करते हैं ई से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेजिनॉइड बॉन्डिंग प्रोसेस। रेजिनॉइड व्हील्स, रेजिनॉइड बॉन्डिंग प्रोसेस से रेजिनॉइड व्हील्स जो हमारे वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें हम अब्रेसिव ग्रेन और सिंथेटिक रेजिन या उनके कोई का अदर कंपाउंड जो होते हैं उनको हीट करते हैं एक साथ 200 डिग्री, मिक्स करते हैं एंड देन हीट करते हैं 200 डिग्री पे, और इस टेम्परेचर पे जब हम उसे हीट करते हैं तो जो रेजिन होते हैं वो अब्रेसिव को अपने साथ बॉन्ड कर लेते हैं, अपने साथ उसको कंबाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जो व्हील प्रोड्यूस होते हैं वो हाई स्पीड व्हील प्रोड्यूस होंगे, और इस जो प्रोसेस है इसको हम डिनोट करते हैं बी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास रबड़ बॉन्डिंग प्रोसेस। तो रबड़ बॉन्डिंग प्रोसेस मीन्स इधर हम रबड़ एंड सल्फर
ऐसे एब्रेसिव ग्रेन्स को मिक्स कर रहे हैं प्योर रबर एंड सल्फर के साथ। द मिक्सचर इज रोल्ड इनटू शीट, उसको हम शीट्स में बनाते हैं एंड वील दैट पंच आउट ऑफ दी शीट एज पंच ऑन अ पंच प्रेस। उनको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि रबड़ बॉन्डिंग की बात करें तो रबड़ यूज़ कर रहे हैं, रबड़ को हम मोल्ड करके शेप नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें शीट्स में प्रोड्यूस करते हैं एंड देन शीट से हम उसके व्हील्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ये जो रबड़ है इसीलिए ये लेस हीट रेजिस्टेंस है एंड मोर डेंस है विद देन रेजोनॉइड व्हील, जो इससे हमने पिछला पढ़ा। और रेजोनॉइड व्हील्स को हम बी से डिनोट कर रहे थे और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीक्लोराइड बॉन्डिंग प्रोसेस। ऑक्सीक्लोराइड बॉन्डिंग प्रोसेस में हम एब्रेसिव ग्रेन्स को ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में जो क्लोराइड मिलता है उसको हम इसमें मिक्स करते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स के साथ और ऑक्साइड के साथ। इस बॉन्ड को हम सेम जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड में हम उसको मोल्ड करते थे देन शेप एंड साइज देते थे देन उसको 1260 डिग्री पे हम फर्नेस में हीट करते थे। सेम उसी प्रोसेस से हम इस बॉन्ड को बनाते हैं। इस टाइप के जो बॉन्डिंग प्रोसेस होता है इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ये जो डिनोशन है ना, ये जो ओ आ रहा है, ये जो वी आ रहा है, ये जो एस आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये हमें आगे मालूम पड़ेगा ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं या क्यों डिनोट कर रहे हैं। जनरली हम जब कोई एल फॉर एग्जाम्पल एल्फा है, एल्फा का साइन होता है, तो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में ही सिर्फ सिम्बल्स देते हैं, बट यहाँ हम ये सिम्बल्स क्यों दे रहे हैं ये हम फर्दर स्लाइड में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है ग्रिड साइज। ग्रिड साइज जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं या हम किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें छोटे छोटे कैप्सूल्स की तरह छोटे छोटे साइज में दिखाई देता है, करेक्ट। तो उन वो जो एक एक, एक, एक पूरा का पूरा स्क्वायर है या एक बाउंड्री के अंदर जो चीज़ है उसको हम पूरा एक ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि जितना छोटा ग्रिड साइज होगा सरफेस फिनिश हमारी उतनी अच्छी होगी। एब्रेसिव हमारे जितने स्मॉल होंगे, हमें मालूम है कि हम जब बहुत बड़े एब्रेसिव को यूज़ करते हैं तो बड़े एब्रेसिव को यूज़ करते टाइम हमारे साथ क्या होता है, जो सरफेस फिनिश होती है वो उतनी ही सरफेस फिनिश उतनी ही ज़्यादा रफ हमारे पास आती है। तो अगेन अगर ग्रिड साइज छोटा है तो हमारे पास जो सरफेस फिनिश होगी वो बेटर होगी, और लार्जर ग्रिड साइज है लार्जर मटेरियल रिमूवल रेट होगा बट जो सरफेस फिनिश होगी वो हमारी कम होगी। हार्डर वर्क मटेरियल रिक्वायर्स स्मॉलर ग्रेन साइज एंड टू कट एफिशिएंटली। हार्डर जितना हार्ड ग्रेन हार्डर मटेरियल होगा उसके लिए हमें स्मॉल ग्रेन साइज चाहिए और सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए हमें लार्जर ग्रेन साइज चाहिए या ग्रिड साइज चाहिए। ग्रिड साइज को हम जो मेजर करते हैं उसको मेश से मेजर करते हैं और इसका जो रेंज रहता है वो 10 से लेकर 250 तक के बीच में रहेगा। 10 वेरी कोट यानी कि बहुत मोटा और 250 दैट मीन्स वेरी फाइन। इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था आई थिंक लास्ट टर्म पे या तुम लोगों ने उससे पिछले सेमेस्टर में देखा होगा। हमारे पास एक मेशर अवेलेबल है जो लैब में हमारे पास तो मेरी जिस दिन लैब होगी उस दिन मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। उसमें हम लोग जो भी सैंड होती है उसको छानते हैं बेसिकली, तो उसमें जो जो वो लगी हुई है जिसे हम छलनी बोलते हैं वो लगी हुई है, वो एक मोटर ऑपरेटेड है, तो उसमें हमारे पास 7 to 8 इस तरीके के मेशर्स लगे हुए हैं। उन मेशर्स के साइज इसी तरीके से वेरी करता है, सबसे ऊपर कोर्स देन उससे फाइन फिर उससे फाइन फिर वेरी फाइन फिर वेरी वेरी फाइन और लास्ट में जो हमको मिलता है वो प्योर सैंड हम लोगों को मिल जाती है। तो ये इस तरीके से अलग अलग साइजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। ग्रेड ग्रेड ही वो चीज़ है जिसके लिए मैं बोल रही थी कि हम डिनोशन डिनोट क्यों कर रहे हैं कि ओ से एस से डिनोट क्यों कर रहे हैं। आप मार्केट में कभी किसी वेल्डिंग रॉड लेने गए हो या कोई भी आप आइटम इस तरीके की इंजीनियरिंग यूज के लिए हम लेने गए हो तो उनके एक पर्टिकुलर ग्रेड होते हैं। हम वहाँ इस तरीके से नहीं बोल सकते कि हम लोगों को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ग्राइंडिंग करनी है तो उसके हिसाब से हमें ग्राइंडिंग व्हील चाहिए उसके हिसाब से मशीन लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ नॉट डन राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्रेड होते हैं, हमारे पास एक एक लंबा सा नाम होता है जो उसके हर पोर्शन को डिनोट करता है कि हम क्या यूज करने वाले हैं। देन ग्रेड और ग्रेड ग्रेड क्या चीज बताता है, ग्रेड बताता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी उसकी, उसकी हार्डनेस कितनी होगी और कितना अमाउंट वो बॉन्डिंग हमारा सॉफ्ट मटेरियल जो है वो रिमूव कर सकता है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव इज मेजर ऑफ इट्स पोरोसिटी। ये कुछ ऐसा हमारे को जो व्हील दिखाई देगा, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोगों को तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एब्रेसिव ग्रेन दिखाई दे रहे हैं,
बॉन्ड मटेरियल दिखाई दे रहा है एंड पोर्स या एयर गैप्स दिखाई दे रहे हैं। एयर गैप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर गैप्स क्या होता है? हमारा पोरोसिटी को मेजर करते हैं या पोरोसिटी बताते हैं। दैट मीन्स कि कितनी चीज़ें उसके थ्रू जा सकती है, उसमें से पास हो सकती है, ये उसका मेजर ऑफ पोरोसिटी होता है। तो ये जो खाली गैप्स हैं ये वॉइड्स नहीं हैं, ये एयर गैप्स हैं, ये पोर्स हैं जो उसमें अराइज होते हैं या होने भी चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ये आ जाते हैं। हम सबसे पहले एक सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ये BIS मार्क्ड होता है और इसका मतलब क्या क्या है। तो इस तरीके का कुछ हमें दिखाई देगा जो फॉर्मूला जो हम लोगों को ये कलर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इसका स्पेसिफिकेशन है। अब हम मार्केट में जाके इसको मांगेंगे तो इसका मतलब क्या है। व्हील डायमीटर 125, थिकनेस ऑफ व्हील 25, बोर डायमीटर 32, W मैन्युफैक्चर का प्रीफिक्स होता है तो वो ऑप्शनल होता है। A स्टैंड फॉर अब्रेसिव Al2O3, 46 ग्रेन साइज है दैट मीन्स मीडियम, 10 to 250 है दैट मीन्स 46 हम मीडियम में जा रहे हैं। L उसका ग्रेड है वो भी मीडियम, 4 डेंस स्ट्रक्चर, V विट्रीफाइड बॉन्ड एंड 17 ये भी एक सफिक्स है जो मैन्युफैक्चर का अपना होता है जो बॉन्ड का टाइप डिनोट करता है। इस तरीके से हमारे पास ये जो आपको एग्जैक्टली बुक में मिलेगा। और हाँ, ये यूनिट में आप लोगों को बुक से जो पूरा चैप्टर है यूनिट का वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी और ये PPT भी शेयर कर दूंगी। ठीक, तो ये हम लोगों को हम जो मार्केट में जब हम जाएंगे तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का जो डिनोट उस पे सिंबल होगा वो मिलेगा और वो हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील या जो हमारे पास लेने जाएंगे इस तरीके क्या डिनोट करेगा। सबसे पहला 51 अगेन मैनुफैक्चर का प्रीफिक्स, अब्रेसिव, दो ही अब्रेसिव हमने बात करी है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो ए आइदर ए और आइदर सी, अब्रेसिव ग्रेन साइज, कोर्स 10 से स्टार्ट करा था, वैसे हमने आगे तक जा सकते हैं 600 तक गए हैं तो यहाँ 8 से लेके 600 तक जाएगा। फोर कैटेगरी से उसने उसको डिवाइड किया है, दैट इज कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन। ओके, देन अब ग्रेड, ग्रेड मतलब क्या होता है, वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है मटीरियल उसके अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट अल्फाबेट्स यहाँ पे मेंशन है, A to Z अल्फाबेट यहाँ पर मेंशन है पूरी की पूरी हमारे पास उसमें दी हुई है। तो स्टार्टिंग विद सॉफ्ट एंड एंडिंग विद हार्ड, दैट मीन्स अगर एल ग्रेड है तो इट लाइज समवेयर मीडियम ग्रेड। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसमें ग्रेड मेंशन होता है। देन आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर डेंस से लेके 16 तक, 1 to 16 होता है और ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि हर मैनुफैक्चर इस चीज़ को मेंशन करेगा। ओके, तो डेंस 1 से लेके एंड ओपन 16 तक स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था इस टाइप का स्ट्रक्चर, डेंस से लेके ओपन तक का स्ट्रक्चर इसमें शो करेगा। फिर आते हैं बॉन्ड टाइप, रेजिनाइड, रेजिनाइड रीइंफोर्स, शेलेक, ऑक्सीक्लोराइड, रबर्ड, रबर रीइंफोर्स, सिलिकेट और विट्रीफाइड बॉन्ड, ये हमारे को बॉन्ड टाइप बताएगा ये किस किस टाइप का बॉन्ड है। और बहुत मैनी ऑफ द टाइम्स हम बॉन्ड से भी ये चीज़ मालूम कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, वाटर रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, किस टाइप का बॉन्ड है ये हम लोग को उसमें से मालूम पड़ जाएगा। लास्ट अगेन ये भी मैन्युफैक्चरर्स का रिकॉर्ड होता है, प्राइवेट मार्किंग होती है टू आइडेंटिफाई व्हील और इसको भी हम एज अ, ये भी हमारे एज अ ऑप्शनल यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन ये आपका बुक का ही इमेज है, जो बुक आपसे मैं शेयर करूँगी उसमें दिया हुआ ये चीज़ क्लियरली सेम चीज़ है, सेम मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग को जस्ट एक एग्जाम्पल याद कर लेना है, रैंडम एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, कुछ भी रैंडम। ठीक, तो उसी एग्जाम्पल से हम उसको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उस एग्जाम्पल से चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास, ये आता है टाइप्स ऑफ कटिंग व्हील्स, जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं हमारे पास, तो किस टाइप, कितने टाइप के हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, कितने कितने शेप्स के हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन हम लोगों ने एक वीडियो में ग्राइंडिंग के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे हमने ग्राइंडिंग उसके बाद उसमें देखा था, तो उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप का था। जब हम गियर मैन्युफैक्चर कर रहे थे तब भी हमारे पास एक अलग टाइप का ग्राइंडिंग था, व्हील था। तो इस तरीके से ग्राइंडिंग व्हील हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। किस लिए होते हैं ऐसा? क्योंकि अलग अलग वर्क पीस, अलग अलग शेप और साइज को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत कॉमन जो है उसमें से हमारे पास ये है, स्ट्रेट के लिए आ जाता है, फिर रिसेस्ड व्हील आ जाएगा, टेपर्ड आ जाएगा, डिस्ट व्हील आ जाएगा, सिलेंडर व्हील आएगा, कप व्हील, कटिंग व्हील, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे व्हील टाइप के। तो ये जब ये जो हमारा पीच का पोर्शन बोर कहलाता है, ये बुशिंग कहलाता है, उसको प्रोटेक्शन देती है एक तरीके से,
और ये हमारी एजिज होती है या पेरिफेरी कह सकते हैं, तो वो हर एक में कॉमन रहेगा हमारा इस तरीके से। अब आ जाते हैं ग्राइंडिंग में, हमारे पास डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ग्राइंडिंग में एक डिफेक्ट होता है ग्लेजिंग, ग्लेजिंग ग्राइंडिंग का एक डिफेक्ट है। इसकी रेमेडी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले ग्लेजिंग डिस्कस कर लेते हैं। ग्लेजिंग का ग्लेज मतलब क्या होता है, आप लोगों को ग्लेज का आइडिया है थोड़ा सा भी? ग्लेज वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो उसको कहाँ यूज करते हैं? सो तो नहीं गए? बेस मतलब तो ग्लेज जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ग्लेज जनरली हम यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सरफेस हो, मिरर फिनिश दे दी हो, ऐसी सरफेस होती है राइट, वही हम यूज करते हैं ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग ऐसी कंडीशन होती है जब जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो एक ग्लास लाइक अपीयरेंस बना लेता है। दैट मीन्स क्लियरली डिपिक्ट होता है ये चीज कि जो अब्रेसिव थे हमारे ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर, जितने भी अब्रेसिव उसके ऊपर माउंटेड थे, वो अब्रेसिव धीरे धीरे वोर्न आउट हो गए हैं या फिर डल पड़ गए हैं। तो वो जब जब अब्रेसिव भी उस मटेरियल में से हट जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम विट्रीफाइड बॉन्ड की अगर बात करते हैं, तो हमने विट्रीफाइड बॉन्ड में क्या स्टडी किया था कि उसमें क्ले के साथ वो एक इस टाइप का ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बना था जो ग्लास लाइक कंसिस्टेंसी होती है। तो अगर उस ग्लास लाइक कंसिस्टेंसी में से अब्रेसिव जब काफी टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद अब्रेसिव खराब हो गए हैं या अब्रेसिव वोर्न आउट हो गए, तो व्हील बहुत ज्यादा स्मूद हो गया, व्हील बहुत ज्यादा स्मूद हो गया, मुलायम हो गया, तो इसका मतलब वो आगे ग्राइंडिंग नहीं कर सकता। और ये जो जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ग्लेजिंग। दैट मीन व्हील बहुत ज्यादा स्मूद हो गया है और उस केस में वो कटिंग नहीं कर सकता। अगला एक क्या प्रॉब्लम आती है, लोडेड। समटाइम व्हील ग्राइंडिंग व्हील इज लेफ्ट लोडेड, तो इसमें क्या है, इन दिस सिचुएशन इट्स कटिंग फेस इज फाउंड बीइंग एदरिंग विद चिप्स ऑफ मेटल। यानी कि व्हील्स व्हील का काम क्या है कि वो अपने ही पोजीशन में सारे उसके जो ब्रेसिस हैं उनको अपनी पोजीशन में रख के कटिंग एक्शन कर सके। बट लोडेड की प्रॉब्लम, लोडेड का मतलब क्या है, लोडेड के केस में क्या होता है, व्हील जो है चिप रिमूव करते करते जो व्हील का मटेरियल है वो वर्कपीस के साथ आने लगता है, व्हील के जो सरफेस है वो इरोड होने लगती है और वो वर्क पीस की तरफ जाने लगती है। तो व्हील के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, इस तरीके से वो जो सरफेस है वो खराब हो जाती है। तो ये एक हमारे पास एक और ड्रॉबैक है, या एक और कह सकते हैं इसको हमारे पास डिफेक्ट है जो हमारे पास ग्राइंडिंग में अकर होता है। नेक्स्ट, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब क्या है, जो रेमेडीज हम ड्रेसिंग वर्ड एज इन कभी हम लोग हर्ट भी होते हैं, हम लोग को चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले हम ड्रेसिंग कराने जाते हैं डॉक्टर के पास। दैट सिमिलर मीनिंग इज ड्रेसिंग है कि जो भी हम लोगों को ड्रॉबैक्स या जो भी हम लोग को डिफेक्ट्स मिल रहे हैं ग्राइंडिंग में, उन डिफेक्ट से कैसे ओवरकम करना है वो हम ड्रेसिंग में करते हैं। ड्रेसिंग रिमूव्स द लोडिंग एंड ब्रेक अवे ऑफ द ग्लेज सर्फेस। जो ग्लेज सर्फेस हमारे पास ऊपर आ गई है, ड्रेसिंग के अंदर हम उस ग्लेज सर्फेस को रिमूव करके नीचे से उसकी शार्प अब्रेसिव पार्टिकल्स वाली सर्फेस को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अगेन ग्राइंडिंग जो है हमारी ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो है वो अगेन स्टार्ट हो सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ड्रेसिंग ऑपरेशंस आर डन ऑन ग्राइंडिंग व्हील। वन ऑफ देम इज ड्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ स्टार ड्रेसर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हार्डेंड स्टील व्हील्स व्हिच शार्पन्ड। अगेन ग्राइंडिंग का काम है कि वो सरफेस ग्राइंड कर रहा है, बट अगर ग्लेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस तरीके से एक काम करेंगे कि हम जो ग्राइंडिंग व्हील है उसी को ड्रेस करेंगे, उसी को ग्राइंडिंग करेंगे। कुछ व्हील्स होंगे, हार्ड एंड स्टील व्हील्स होंगे, उनको उनकी जो शार्प पॉइंट्स होंगे उसको उस पेरीफेरी पे, उस ग्राइंडिंग व्हील की पेरीफेरी पे रोटेट कराएंगे, और रोटेट कराने से ऊपर का जो स्मूथ सरफेस होगा वो स्मूथ सरफेस आपका हट जाएगा, और नीचे से जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे वो वहां पर आ जाएंगे ऊपर की तरफ, तो अगेन जो हमारा ग्राइंडिंग एक्शन है वो कंप्लीट हो सकता है। लास्ट लेक्चर में आप में से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये तो फिर बहुत जल्दी इरोड हो जाएगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, तो वही चीज हम बोल रहे थे कि अगर ऊपर की एक लेयर इरोड हो गई या ऊपर की एक लेयर में कुछ डिफेक्ट आ गए तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट जो लेयर होगी, जो सब्सिक्वेंट लेयर्स होंगी उनमें सब में अब्रेसिव होंगी, तो सब्सिक्वेंट लेयर्स जो होंगी वो उस चीज को हम ओवरकम करके उससे वापस ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो व्हील ड्रेसर ही अलग अलग टाइप के होते हैं, एक मैंने आपको बताया स्टील व्हील्स, हार्डन स्टील व्हील्स। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टील ट्यूब फिल्ड विद बॉन्डेड अब्रेसिव, उसको हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास फॉर यही हो रहा है ना कि व्हील्स से अब्रेसिव खत्म हो गए, तो
तो हम एक स्टील ट्यूब, इसमें अब्रेसिव बॉन्डेड अब्रेसिव होंगे, उसको व्हील के सरफेस के अक्रॉस मूव कराएंगे, जिससे वो अब्रेसिव उसके साथ वापस से बॉन्ड हो जाए या उसकी सरफेस पे वो अब्रेसिव वापस से आ जाए. तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको हम ब्रेसिंग बोलते हैं. नेक्स्ट, ट्रूइंग भी हमारा एक प्रोसेस है डिफेक्ट्स को रिमूव करने का. ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग ये दोनों प्रोसेस है हमारे डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए. तो ट्रूइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द शेप यूज करने के साथ साथ व्हेन वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ओवर समटाइम्स इन दिस वी आर कंटिन्यूअसली यूजिंग इट फॉर आवर्स. तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो सरफेस होता है वो तो खराब हो ही रहा है, साथ साथ उसका शेप एंड साइज भी खराब हो जा रहा है. तो अगर ट्रूइंग हमारा क्या काम करता है, ट्रूइंग उस जो शेप खराब हुई है, रिस्टोरिंग द शेप, जो शेप ग्राइंडिंग व्हील खराब हुई है उस शेप को हमारे पास हमारे को सही करने में, उसको कंसेंट्रिक करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड. तो ट्रूइंग के केस में हम सरफेस को जो है या शेप एंड साइज को जो है वो करेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप लोग याद रखना. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को किस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, बट उसके बावजूद बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं व्हाइल वी आर ग्राइंडिंग. ओके, सो फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल टू बी फिनिश्ड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें किसको मशीन करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि उसकी सर्फेस कितनी है कितनी नहीं है. नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ सर्फेस फिनिश रिक्वायर्ड, किस टाइप की सरफेस फिनिश हमें चाहिए. अगर ग्राइंडिंग हमारा लास्ट ऑपरेशन है तो हमारे को सरफेस फिनिश बहुत सुपीरियर क्वालिटी की चाहिए, और अगर ये हमारा लास्ट प्रोसेस नहीं है, वी हैव अदर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल पॉलिशिंग एंड सुपर फिनिशिंग प्रोसेस वी हैव, तो उस केस में हम वो चीज़ डिसाइड करेंगे कि हमें सरफेस फिनिश किस टाइप की चाहिए. ग्राइंडिंग अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन द वर्क पीस, फॉर एग्जाम्पल हमें वर्क पीस चाहिए 10x10 का, और अभी वर्क पीस का जो साइज है वो 10.1 या 10.2 mm है. तो कितनी अलाउंस हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ 0.2 mm की अलाउंस है. तो उस अलाउंस के हिसाब से हम किस कैसा कितना मटेरियल रिमूव कर सकते हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. बिकॉज नेक्स्ट, डायमेंशनल एक्यूरेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी को हैम्पर कर सकते हैं. वी नीड डायमेंशनल एक्यूरेसी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्राइंडिंग. करेक्ट. नेक्स्ट, मेथड ऑफ ग्राइंडिंग वेट और ड्राई डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है या किस टाइप का मटेरियल है, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा. रिजिडिटी, साइज एंड टाइप ऑफ मशीन, रिलेटिव साइज ऑफ व्हील एंड जॉब, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग टू बी डन, स्पीड एंड फीड ऑफ द व्हील. तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील के सिलेक्शन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स जो हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, ये सरफेस फिनिश के अकॉर्डिंग, क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है. रफ ऑब्लिक नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग एंड सेकेंड इज प्रिसीजन ग्राइंडिंग. नेक्स्ट, फ्लोर स्टैंड एंड ब्रेंच ग्राइंडर, इसमें भी अलग कैटेगरीज है. फिर पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल शार्प ग्राइंडर, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर, अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर. इतना क्लियर हुआ क्लास? Yes, ma'am. अभी तक का क्लियर हो गया? अभी तक कोई क्वेश्चन आपको?